not a game, it's a rage thing. हेलो फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास IVF फायरबोल्ट की एक और लेटेस्ट स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट निंजा 2। प्राइसिंग की बात करी जाए तो अब इसकी प्राइसिंग है 1900 रुपए। इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम इसके सारे फीचर्स को टेस्ट करेंगे एंड जानेंगे क्या ये 2000 रुपए के अंदर बेस्ट स्मार्ट वॉच है, क्या आपको ये लेनी चाहिए। तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच लेने की सोच रहे हैं 2000 रुपए के अंदर, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से रेड को ग्रे कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। बॉक्स पैकेजिंग हम देखें तो बॉक्स के टॉप में फायरबोल्ट निंजा 2 की ब्रांडिंग दी गई है। राइट, लेफ्ट एंड पीछे के पार्ट में इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जिसके ऊपर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग 499 मेंशन है, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे टॉप में स्मार्ट वॉच को निकाल के हम रख देते हैं साइड में भी। इसके अलावा इसके अंदर दी गई है इसकी मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड। तो ये वॉच 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। हमारे पास रोज गोल्ड कलर है, जो बेसिकली वुमन ज्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा ग्रीन एंड ब्लैक में भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो वॉच का डायल टोटली प्लास्टिक बिल में आता है। 33 mm इसका डायल साइज है। राइट पार्ट में इसका फंक्शन बटन दिया गया है। बैक साइड फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है। यहाँ पे इसके सेंसर्स एंड चार्जिंग पिन भी दी गई है। टीपू स्टेप इसमें दिया गया है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी सॉफ्ट भी है। बकल इसका मेटल बिल दिया गया है, जिसमें फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दी गई है। तो अब इसको ऑन करके इसकी ऐप के साथ हम सेटअप कर लेते हैं। तो ऐप का नाम है द फिट, आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में मिल जाएगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। वॉच को ऐड करने के लिए आपको टू ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे निंजा 2 लिखा हुआ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं एंड ये सक्सेसफुली आपस में पेयर हो चुके हैं। तो इसकी डिस्प्ले देखी जाए तो 1.3 इंच की 2040x2040 पिक्सल रेजोल्यूशन की TFT डिस्प्ले इसमें दी गई है, जिसका कलर रिप्रोडक्शन डिसेंट है TFT के हिसाब से। आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है, बट डिस्प्ले साइज मुझे इसका काफी छोटा लगा। डिस्प्ले का साइज छोटा होने की वजह से इसके बेजल्स भी काफी मोटे लगते हैं। थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले होती तो और भी बेटर लगता। रेस्ट टू वेक का इसमें फीचर है, तो जैसे ही अपनी रिस्ट को अप करते हैं इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाती है। बैटरी कैपेसिटी क्या है कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया, बट कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि उसको 7 डेज तक यूज कर सकते हैं मॉडरेट यूज में, बट अगर आप इसको हैवीली यूज करते हैं तो 3 से 4 दिन तक आप इसे काफी आराम से यूज कर सकते हैं। IP68 की इसमें रेटिंग है, तो शावर में, रेन में एंड जिमिंग के दौरान आप इसे यूज कर सकते हैं। स्वेट से इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो वॉच फंक्शनलिटी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो इसमें प्रिंस्टॉल 5 वॉच फेसेस दिए गए हैं। इसकी ऐप में काफी सारे वॉच फेस अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को आगे देखते रहिए। ऊपर से नीचे स्वाइप करके इसका टॉगल मेन्यू ओपन हो जाता है, जहां से आप इसकी ब्राइटनेस लेवल चेंज कर सकते हैं। थिएटर मोड का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो थिएटर मोड को ऑन करने के बाद इसकी ब्राइटनेस काफी कम हो जाती है, वाइब्रेशन इसकी ऑन हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है इसमें सेटिंग का। सेटिंग में स्टॉप वॉच, अलार्म, काउंट डाउन, ब्राइटनेस कंट्रोल, वाइब्रेशन ऑन, थिएटर रिसेट एंड पावर ऑप्शन। लेफ्ट से राइट स्वाइप करके इसके शॉर्टकट्स ओपन हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सेटिंग का, गेम्स का इसमें ऑप्शन है, मैसेज आप चेक कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन है हार्ट रेट का। राइट से लेफ्ट स्वाइप करके आप इसके शॉर्टकट्स ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी ट्रैकर, यहाँ पे स्टेप्स, कैलोरीज एंड डिस्टेंस आप चेकआउट कर सकते हैं। स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटर, स्पोर्ट्स ऑप्शन, वेदर ऑप्शन, कैमरा शटर, तो आप अपनी वॉच को एज अ रिमोट यूज कर सकते हैं अपने फोन से सेल्फी वगैरह क्लिक करने के लिए। म्यूजिक कंट्रोल का इसमें ऑप्शन है, अपने फोन की म्यूजिक को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे से ऊपर स्वाइप करके इसका मेन्यू ओपन हो जाता है। सबसे पहले स्टेप, स्लीप, स्पोर्ट्स, हार्ट रेट, SpO2 को हम चेकआउट कर लेते हैं। 80, अब हम चेक कर लेते हैं SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन, 96%। तो ये सेंसर्स मेडिकल यूज के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ एक आइडिया के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड का इसमें ऑप्शन है, तो इसमें 30 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इसके बाद काउंट डाउन, कैमरा शटर, वेदर ऑप्शन, मैसेज, म्यूजिक कंट्रोल, ब्रेथ का इसमें फीचर है जो एक अच्छी बात है, तो उसको स्टार्ट करके आप ब्रेथ इन ब्रेथ आउट कर सकते हैं। फ्लैश लाइट हो गया, अलार्म, फाइंड फोन, गेम का इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो बजट में हमें गेम का ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिलता है, जो एक अच्छी बात है। वैसे बेसिकली वॉच में कोई गेम खेलता नहीं है। 2 गेम इसमें दिए गए हैं, 2048 एंड यंग बर्ड। ऐप का इंटरफेस काफी सिंपल सा है। होम पेज में सभी फिटनेस डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं, स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, आउटडोर रनिंग। अगला इसमें ऑप्शन दिया गया है वॉच का, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है वॉच फेजेस का। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है वॉच फेस कस्टमाइजेशन का। तो यह है इमेज, टिक, टाइम, पोजीशन एंड कलर को आप यहां से चेंज कर सकते हैं एंड सेव पे मैं क्लिक कर देता हूं। तो कस्टम वॉच फेस इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा इसमें काफी सारे क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस अवेलेबल हैं। टोटल इसमें 85 वॉच फेसेस हैं, जिसको कंपनी अपडेट भी करती रहती है। बोथ एनालॉग एंड डिजिटल वॉच फेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस वाले वॉच फेस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं डाउनलोड। तो वॉच फेस इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद नोटिफिकेशंस का इसमें ऑप्शन है,
तो जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आपको अपनी स्मार्ट वॉच में चाहिए आप उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें अदर्स का। अदर्स में आपको काफी सारी सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती हैं। टाइम फॉर्मेट, डू नॉट डिस्टर्ब, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, हार्ट रेट वार्निंग, साइकोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर। तो बेसिकली अगर आप एक फीमेल है तब आप इसको ऑन कर सकती हैं। लास्ट ऑप्शन है प्रोफाइल का। तो आप इस ऐप से गूगल फिट ऐप में सभी फिटनेस डेटा सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो आप प्रोज एंड कॉन्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस में IP68 की रेटिंग दी गई है, वो भी काफी कम प्राइस पॉइंट में। हार्ट रेट SPO2 का इसमें सपोर्ट है। इसके अलावा इसमें काफी सारे क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस दिए गए हैं। कॉन्स की बात की जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक फीचर्स कंपनी ने इसमें प्रोवाइड करे हैं, बट फिर भी एक कॉन की बात की जाए तो इसका डिस्प्ले साइज मुझे काफी छोटा लगा। काफी छोटी डिस्प्ले कंपनी ने इसमें प्रोवाइड करी है, 1.3 इंच की। थोड़ी इसकी डिस्प्ले और बड़ी होती तो और भी बेटर होता। तो अब इन द लास्ट बात आती है कि आपको इस स्मार्ट वॉच को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड 1900 रुपए के हिसाब से इसमें अच्छे खासे फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं, चाहे वो SPO2 हो, हार्ट रेट हो, IP68 रेटेड है। काफी सारे वॉच फेस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बट एक चीज जो मुझे उसकी काफी ऑड लगी, इसका डिस्प्ले साइज काफी छोटा दिया गया है, जिससे इसके बेजल्स काफी मोटे नजर आते हैं, जो काफी ऑड भी लगते हैं कभी कभी। तो अगर आपको इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता है एंड आप 2000 रुपए के अंदर एक वॉच लेने की सोच रहे हैं जिसमें आपको IP68 की रेटिंग मिले, जिसमें हार्ट रेट SPO2 का भी सपोर्ट हो एंड काफी सारे वॉच फेस आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये हमारा आज का वीडियो। तो आपको ये वॉच कैसी लगी, क्या आप इसे परचेस करना पसंद करेंगे एंड इससे रिगार्डिंग आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम रितिक, मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।